पिछले 24 घंटों की जो भी टॉप अपडेट्स निकलकर आ रही हैं, हम इसी एक वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहली अपडेट भारत के क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स को लेकर आ रही है। दरअसल फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का फर्स्ट हाफ यानी पहले 6 महीने कम्प्लीट हो गए हैं और पहले 6 महीने में भारत ने कौन से देश से कितने परसेंट क्रूड ऑयल परचेज किया है, इसका डेटा भी भारतीय सरकार ने देश के सामने रख लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से सितंबर महीने तक यानी पहले 6 महीनों के दौरान भारत ने अपना 40% क्रूड ऑयल अकेले रशिया से परचेज किया है, जबकि 44% मिडिल ईस्ट के सभी मुस्लिम कंट्री से, बाकी का 16% अमेरिका, गुयाना, अजरबैजान, इन जैसे छोटे बड़े ऑयल सप्लायर देशों से। पहले 6 महीने के दौरान भारत के टॉप 3 ऑयल सप्लायर देश हैं रशिया, इराक और सऊदी अरेबिया। दूसरी अपडेट न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लेकर आ रही है। अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट और पेंटागन ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि चाइना के टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या 500 से ज्यादा हो गई है। 2021 में चाइना के पास 400 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, जबकि अब इनकी संख्या 400 से ज्यादा बढ़कर 500 तक हो गई है। सबसे ज्यादा ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉरहेड्स वाले देशों की लिस्ट में 4,400 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ रशिया टॉप के ऊपर है। 3,700 न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ अमेरिका दूसरे नंबर के ऊपर है, जबकि 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ तीसरे नंबर के ऊपर है चाइना। चौथे नंबर के ऊपर 290 न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ फ्रांस, उसके बाद 225 न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ पांचवी पोजीशन के ऊपर यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन आता है। सिक्स पोजीशन के ऊपर है पाकिस्तान और पाकिस्तान के पास भारत से भी ज्यादा 170 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि भारत के पास 150 से 160 के बीच में न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और हम 7th पोजीशन के ऊपर आते हैं। हमारे बाद 8वीं पोजीशन के ऊपर है इजराइल और 9वीं पोजीशन के ऊपर है नॉर्थ कोरिया। आज की तीसरी बड़ी अपडेट भी इजराइल को लेकर आ रही है। दरअसल भारत में इजराइल के एम्बेसडर नाउर गिलोन सर ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए भारत के लोगों को नवरात्रि और दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि जिस तरह से दुर्गा माता ने बुराई का अंत किया था, बुराई के ऊपर जीत हासिल की थी, ठीक उसी तरह से हमारी आज की इजराइल की मॉडर्न दुर्गाएं यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेज की महिला सोल्जर्स भी पूरी तरह से ताकत के साथ खड़ी हैं और आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में दुर्गा माता की तरह इजराइल भी बुराई के ऊपर जीत हासिल करेगा, अच्छाई की जीत होगी। वैसे देखा जाए तो बाकी देशों के एम्बेसडर्स ने भारत को नवरात्रि और दुर्गा पूजा को लेकर कोई खास शुभकामनाएं नहीं दी हैं, इवन रशिया ने भी नहीं। इससे पता चलता है कि भारत और इजराइल के बीच की दोस्ती कितनी ज्यादा क्लोज हो चुकी है। चौथी अपडेट की बात करें तो वो अमेरिका और ब्रिटेन को लेकर आ रही है। भारत सरकार ने रिसेंटली कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को बाहर निकाल दिया था। अब दोनों अमेरिका और ब्रिटेन, इन दोनों देशों ने इस मसले के ऊपर कूदते हुए कहा कि भारत ने जो कनाडा के डिप्लोमेट्स को निकाला है, इसको लेकर अमेरिका और ब्रिटेन की सरकार दोनों चिंतित हैं और डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर वियना कन्वेंशन के जो भी रूल्स हैं उनको भारत की सरकार पूरी तरह से फॉलो करे यानी उनको माने। आज की पांचवी अपडेट इजराइल को लेकर आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि हमास के आतंकी हमले के बाद से इजराइल की सरकार ने वहां पर रिजर्व ट्रूप्स को भी दोबारा से ज्वाइन करवा दिया है, जिसके चलते अब इस समय इजराइल में 4 से 5 लाख से ज्यादा सोल्जर्स वहां पर ग्राउंड के ऊपर हैं। खबर निकल कर आ रही है कि इजराइल में अब बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स और प्रोएक्टिव गेयर्स की कमी हो गई है और इजराइल को कोई भी टॉप सप्लायर इस समय नहीं मिल पा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को इजराइल की सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स और प्रोटेक्टिव गेयर्स भेजने चाहिए, हाँ या फिर ना, इसलिए मुस्लिम देश नाराज होंगे? नीचे कमेंट करके आप इसके ऊपर अपनी राय बता सकते हैं। आज की लास्ट और छठी अपडेट ब्रिटेन से आ रही है। ब्रिटेन में कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के देशों की आर्म फोर्सेस की 38 इंटरनेशनल टीम्स आई थी, जिनमें स्पेशल फोर्सेस के ट्रूप्स भी थे। इंडियन आर्मी ने इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए 3 और 5 गोरखा राइफल्स के ट्रूप्स को भेजा था, जिन्होंने अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, पोलैंड, पाकिस्तान जैसे दुनिया के कई सारे देशों की टीम्स को हरा दिया है और इस कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज में गोल्ड मेडल हासिल किया है। हाँ, इस एक्सरसाइज में रशिया और चाइना की टीम्स नहीं आई थी। वैसे देखा जाए तो इंडियन आर्मी और गोरखा राइफल्स को इस जीत के लिए थैंक्स तो बनता ही है।